बच्चे हैं हमारे देश में, वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उनकी देखभाल हम इतनी इतने शिद्दत से नहीं करते हैं शायद. दिस इज़ वन ऑफ द ओनली पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स दैट वी हैव इन महाराष्ट्र स्टेट एंड इन अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स एज वेल. एंड इन फैक्ट लॉट ऑफ चिल्ड्रन, व्हेन वी स्पीक अबाउट NICUs, जिसे कहते हैं न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त प्रेमेच्योर बेबीज के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो यू नो हु आर जस्ट बॉर्न एट्सेट्रा, उनको NICU में रखा जाता है. एंड दैट NICU, दोज बेड्स, इफ दे आर नॉट अवेलेबल द चाइल्ड इज जस्ट लेफ्ट टू डाई. एंड दैट इज सच अ सैड थिंग दैट इफ वी डू नॉट हैव, इवन इफ दे हैव द मनी बट यू जस्ट डोंट हैव अ हॉस्पिटल बेड एंड देयरफॉर एडिक्वेट केयर, that in itself is just a tragedy that can be avoided. And I want to congratulate Mr. Awasthi, Dr. Awasthi over here, for you know, carrying on his good work and making sure that at least Bombay has one big pediatric hospital that can take care of all the children from all classes and all you know, all parts of society. Sabse chote aadmi se sabse bade aadmi tak सब बच्चों की देखभाल यहाँ पे होती है. यहाँ से एक भी बच्चा एक भी बच्चे को भेजा नहीं गया है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है या किसी और वजह से. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली कंग्रेचुलेट डॉक्टर अवस्थी फॉर. थैंक यू सो मच, ही इज़ बिन डूइंग दिस वर्क. 28 साल से ये काम करते आ रहे हैं, तो मेरे बच्चे भी इनके साथ बड़े हुए हैं. और मैं बहुत बहुत सिंसियरली कह सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे बच्चे बड़े होते अगर डॉक्टर अवस्थी नहीं होते. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. डॉक्टर अवस्थी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. एंड जब मैंने ये स्कल्पचर बनाया था तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये सूर्या में लगेगा. इट वॉज एक्चुअली मेड फॉर अ क्लाइंट. उन्होंने बोला कि हमने ये नया हॉस्पिटल बनाया, आप कुछ इसके लिए आर्ट पीस करिए. एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ डॉक्टर अवस्थी. आई थिंक इज़ अ वेरी फाइन डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बींग. So I say, Doc, right now I have something ready which is just apt for this place, which is mother and child. And a week later, I think, I installed it and I said, I know all hospitals have budgets. Money's never been criteria for an artist. And for me, it's never been there. So I said, this is from my side. I would like to donate. It's almost 1.5 ton, one piece marble. Mujhe 3.5 months lage hain isko banane mein, day and night. And I'm really happy from the bottom of my heart that it's installed at Surya. Whole aim was, jab maine pedestal bahut bright colorful rakha hai kyunki bacche jo andar treatment karate hain unko bahut dard hota hai, rote hain. It's not a happy sight to be in a hospital. To main chahti hu jab wo apna injection ya koi bhi ilaaj kara ke bahar aaye to ऊपर भले उनको ज़्यादा समझ नहीं आए कि वाइट पत्थर क्या है, नीचे जब देखें मोज़ेक कलरफुल ब्राइट कलर, एक स्माइल उनके फेस पे आ जाए. ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को. डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज.